क्या बताना चाहेंगे आज सब लोग आए हुए हैं गणपति के तो ये सब लोग भी है बहुत थोड़े लोग लारे लारे साइलेंस प्लीज एवरीबॉडी साइलेंस प्लीज थैंक यू पहले जब सब आते थे मिल सकते थे सो दिस ईयर थोड़े कम लोग बुलाए और आई थिंक ये लॉकडाउन की वजह से हमने एक बहुत ही मतलब मेरे लिए एक आविष्कार था बिकॉज मैं पिछले 45 years से करती हूँ हम लोग जाते थे स्टॉल्स और वहाँ से गणेश लाते थे हम लोग और वहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन होता था मीडिया भी वहाँ पर आती थी यू नो इट वाज अ वेरी मतलब 2019 सब कुछ चेंज कर दिया रियली एवरीथिंग हैज चेंज आफ्टर 2019 दिसंबर और लास्ट ईयर हमारे पहले गणपति थे जो हमने एक्चुअली क्ले के बनाए हम सोचते थे कि इको फ्रेंडली रखे और हम इको फ्रेंडली ही रखते थे तो बाहर से ही हम ऑर्डर करते थे बट नेवर रियलाइज कि हम खुद बनाएंगे एंड इतना मजा आएगा और इसका सबसे मैं एक श्रेय देना चाहूँगा ऋत्विक को बिकॉज मैंने ऋत्विक करण वाही और राकेश बापति तीनों बनाते थे पिछले 3-4 साल से मुझे अच्छा लगता था लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई सेड यार मुझे भी थोड़ी मिट्टी इधर कहाँ से लेकर आया है एंड आई नो ये साल बोले मैं भिजवाता हूँ बोले नहीं नहीं मत कर मैं लेकर आता हूँ नो आई हैव द मिट्टी यू नो एक वो बोलता है एक बहुत बड़ा पुण्य है एक्चुअली मैं बोलता हूँ ये एक होली मिट्टी है जिस तरह से बनाते हैं और पूरी रात आज मैं सुबह 4 बजे उठाऊँ ब्रह्म मुहूर्त में मैंने शुरू किया था एंड आई फेल्ट सो गुड इट इज सच ए ग्रेट फीलिंग टू मी एंड नॉट ओनली मी मेरे दोनों बच्चे लास्ट ईयर दे सॉ वो लोग उन्होंने भी देखा जिस तरह मैंने बनाया तो इस साल उन दोनों ने इतने प्यारे मतलब आई एम सरप्राइज जैसे मैं बनाता हूँ जैसे मैं बनाता हूँ उन्होंने मुझसे बेटर बनाया एक्चुअली सो आई थिंक बाय माय एज दे विल बी लाइक स्कल्पचर्स उनका जो है इसके ऊपर इसी तरीके जब लास्ट टाइम हम एक पार्टी में मिले थे तब आपने बताया था कि वो मिट्टी के बारे में बताया था कि जी हाँ तो एंड क्या मतलब और क्या इस बार नया आपने अलग किया है तो इस बार क्या करेंगे विसर्जन के दौरान आई थिंक यहाँ पर मुझे किसी ने पूछा था कि आप कितने दिन के लिए रखते हैं जी जनरली हम मैक्सिमम डेज के लिए रखते हैं लेकिन लास्ट ईयर से हमने सोचा कि जितनी इनकी मर्जी होगी उतने ही दिन ये रहेंगे चाहे वो 1 दिन हो 5 दिन हो 10 दिन हो सो वी डोंट नो तो मैं ये नहीं कह सकता कि कब विसर्जन होगा पर जब ही विसर्जन होगा लास्ट ईयर हमने ये मिट्टी के गणपति को हमने पानी में बाल्टी में डाला और उसी पानी जब मिट्टी मेल्ट हो गया वी पुट इट डाउन द ट्रीज एंड प्लांट बट दिस ईयर आई थिंक अच्छा कोई आइडिया जो बच्चे कर रहे हैं कि प्लांट में ही डाल देंगे एक पौधे में डाल देंगे पौधा बनाकर उसकी जब वो ग्रो होगा तो आई एम श्योर विल बी वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस वेरी वेरी नाइस ये बहुत अच्छा आइडिया है एंड इसी के साथ अगर बात करें इस बार क्या विश मांगी है आपने ऊपर से आप दोनों ने यार